हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज बिटवीन और एमंग में फ़र्क बताने वाली हूँ, क्योंकि बिटवीन और एमंग दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, जिनका दोनों का अर्थ होता है बीच। ये आप जानते हैं ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं? ये प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन आपको पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में प्रीपोजिशन के बारे में बताती हूँ। प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस के नाउन, प्रोनाउन और दूसरे पार्ट्स के बीच में संबंध जोड़ता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, आउट, फॉर, फ्रॉम, एट, ये सभी प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन चार तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन बहुत आसान होते हैं, सभी के लिए यूज़ करना बहुत आसान होता है। एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। कुछ और होते हैं जैसे ऑफ, ऑन, ड्यूरिंग, ये भी सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन लोग इसमें भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। जैसे परसों ही मेरे किसी परिचित ने बोला, माय मदर केम इन फ्रॉम मुंबई टुडे, तो उसमें उसने कुछ गलती की है। आपको समझ में आया? माई मदर केम इन फ्रॉम मुंबई टूडे, तो यहाँ दो प्रीपोजिशन लग गए, इन और फ्रॉम, तो ये गलत हो गया। माई मदर केम फ्रॉम मुंबई टूडे, ये सही होगा, क्योंकि केम इन, केम आउट, वो एक शब्द जुड़े रहते हैं, लोग गलती से बोल जाते हैं। तो ये सिंपल प्रीपोजिशन को भी आपको समझना चाहिए। दूसरा होता है कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन वो होते हैं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब को जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे अमंग, अलोंग, अबाउट, बिलो, आफ्टर, ये बहुत से प्रपोजिशन होते हैं। कुछ और एग्जांपल बताती हूँ। अबव, अक्रॉस, अमिडस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ एंड बिसाइड, ये सब कंपाउंड प्रपोजिशन होते हैं। तीसरे होते हैं फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन वो होते हैं जिसमें कुछ फ्रेजेस प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं, जैसे इन अकॉर्डेंस विद, इन फेवर ऑफ और अलोंग विद, ये सब फ्रेज प्रपोजिशन होते हैं। अब मैं कुछ और नाम बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एग्रीएबली टू, इन कोर्स ऑफ, अवे फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, ये सब फ्रेज प्रीपोजिशन हैं। चौथी तरह के प्रीपोजिशन होते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ड्स होते हैं, उनको हम कभी कभी प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे ड्यूरिंग, कंसीडरिंग, पेंडिंग एंड रिगार्डिंग, ये सब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हैं। अब मैं आपको कुछ प्रीपोजिशंस के यूज़ बताने वाली हूँ, तो देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रीपोजिशन का यूज़ देख लेते हैं, जैसे एट, आई एम एट होम, या इनका यूज़ देखते हैं, राधा इज़ इन हर ऑफिस, तो ये सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि किसी वाक्य में दो तीन ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अगर दो तीन ऑब्जेक्ट होते हैं तो प्रीपोजिशन एक ही आता है और उनसे पहले आता है। जैसे मैंने कहा, आई एम फॉन्ड ऑफ ग्रेप्स, मैंगोज एंड बनानास, तो तीन इसमें ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन फॉन्ड ऑफ एक ही प्रीपोजिशन को यूज़ किया गया है। कभी कभी प्रीपोजिशन प्रोनाउन के बाद आता है, जब हम कोई बात पूछते हैं या बताते हैं, जैसे दिस इज़ द बुक यू हैड Asked for, तो यहाँ for last में आया है। अब हम between और among के बीच क्या difference है वो जानेंगे। दोनों का अर्थ होता है बीच में, लेकिन between जो होता है वो दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे the match was played between India and Australia, तो दो लोग हैं। My train had stopped between Delhi and Sonipat, तो यहाँ दो जगह की बात है, तो हम उसके बीच में between लगाते हैं। between के बारे में एक बात और, कि
बिटवीन का जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं देयर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी, तो यहाँ पर बिटवीन ही एंड आई नहीं कहेंगे, बिटवीन हिम एंड मी कहेंगे। इसी तरह हम दूसरी जगह भी ऑब्जेक्टिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। जबकि एमंग बहुत सारे लोग हों या बहुत सारी चीज़ हों तो उसमें हम अमंग लगाते हैं। आई हैड टू चूज अमंग मैनी मैंगोज विच इज़ बेटर, या द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ अमंग स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में यूज़ किया गया है, तो आप आसानी से समझ गए होंगे अमंग और बिटवीन का यूज़। बाकी प्रपोजिशंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।